वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज आपके समक्ष एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। तो देखिए, जो HPPSC शिमला के द्वारा PGT हिंदी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए तारीख यहाँ पर दी गई है 26/6/2024। ये जो नोटिस है इनकी ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप ले सकते हो। नहीं तो ये आपको मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर PDF सेंड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें जो एडवर्टीजमेंट निकली थी हिंदी विषय के लिए 117 सीटें थी ये। तो यहाँ पर ये बताया भी है इन्होंने किस तरह से सीटें डिवाइड की हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चाहे आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ यहाँ पर देखिए कितने 185 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब रिज़ल्ट निकला है, इसके आगे क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं? 185। यहाँ पर तारीख भी दी गई है, आप पूरे जो तारीख दिया गया है जो भी इसका नोटिफिकेशन होगा उसके हिसाब से आपको चलना है। देखिए जो 8/7/2024 को जो 30 कैंडिडेट है इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आप अपना रिज़ल्ट चेक करके देखिएगा क्या आपका रोल नंबर यहाँ पर है या नहीं। फिर 9 तारीख को भी है, तो इस दिन भी 30 कैंडिडेट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 10 तारीख को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस दिन 33 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 11 को 38 कैंडिडेट को बुलाया गया है और 12 को 33, 15 को भी है, इसमें 21 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप अपने रिज़ल्ट को यहाँ पर देख सकते हो क्या आपका रोल नंबर यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, कोई अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप इसके लिए बोर्ड को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, मैट्रिक के, प्लस टू के, मास्टर डिग्री जो है, BEd है, जो भी MEd है, MSc है, कुछ भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर बताया गया है तो इनको अपने साथ आप ले जाना और अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेना वहाँ पर जाके। ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर देखिए क्वेरी नंबर भी इन्होंने दिया है, इसके लिए आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये जो टेलीफोन नंबर दिए हैं ये टोल फ्री हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अधिक जानकारी लेने के लिए आप इन पे संपर्क करिएगा। ऑल द बेस्ट, आप सभी अपना रिज़ल्ट चेक करिए कैसा आपका रिज़ल्ट रहा, बताइएगा कमेंट करके कि आपका रोल नंबर आया है या नहीं। जिनका आया है उनके लिए बहुत बहुत मुबारक, और जिनका किसी कारण से नहीं आया है तो हिम्मत नहीं हारनी है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ गलतियां हमारी रह जाती हैं। इस बार हमारा जो कैंडिडेट थे फर्स्ट पेपर की वजह से बाहर हो गए हैं, कोई बात नहीं, हो जाती हैं कोई कमियां। तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए कमीशन आने वाला है, पहले आएगा आपका TGT कमीशन। ठीक है, TGT आर्ट्स हो गया, दूसरे सब्जेक्ट के होंगे, तो उसके पश्चात हिंदी का LT कमीशन भी आने वाला है। ठीक है, तो कमर बांध लीजिए, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि कमीशन आएगा या नहीं, हिंदी वालों के लिए कह रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए कमीशन आना ही कन्फर्म बात है। नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा, पर आएगा ज़रूर। ठीक है, जब भी आएगा, तो अगर आप ढीला छोड़ रहे हैं अपने आप को, तैयारी नहीं करोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी बाद में। जैसे PGT की इस परीक्षा में आपको समस्या हो गई थी ना, वैसी ही हो जाएगी फिर उसमें भी। तो आपको पता ही होगा वहाँ पर भी आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको दोनों पेपर अच्छे से तैयार करने हैं। क्योंकि देखिए जैसे इसमें कमी रह गई थी हम सभी की कि फर्स्ट पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ था बहुत से बच्चों का, और सेकंड पेपर तो बेशक अच्छा हुआ परंतु फर्स्ट पेपर नहीं हुआ, तो इन चीज़ों में सुधार लाना है। जैसे कि ग्रामर आपको पढ़ते रहना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़ते रहना चाहिए, GK पढ़ते रहना चाहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए। इन चीज़ों पर आप अवश्य अमल करिए, आपको अवश्य इनसे लाभ मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इनसे संबंधित रहती है तो आप अवश्य कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, नंबर आपको पता ही है 8219312129। और आपको ये भी बता दूं LT कमीशन के लिए हमारा बैच चला हुआ है, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। नंबर आपको बता दिया 8219312129, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, कोई क्वेरी रहेगी तो आप अवश्य क्वेरी कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, अवश्य बताइएगा कैसा आपका रिजल्ट रहा।